यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. यस बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में नेक्रोसिस वाला टिश्यू टिश्यू नेक्रोसिस पढ़ा था. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेक्रोसिस पढ़े थे. कुछ नेक्रोसिस के टाइप्स रह गए थे, पहले वो पढ़ लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद एपोप्टोसिस अगर टाइम रहेगा तो. ठीक है, इज इट क्लियर? यस अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और नेक्रोसिस. ओके, हाँ स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो मैम। ओके, तो स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज दिस नेक्रोसिस. जो लिविंग है उसको इंजरी हो जाए नेक्रोसिस. ठीक है, कॉजेस पढ़े थे हमने, क्या क्या होते हैं? इस्कीमिया, इस्कीमिया क्या है? सीजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड फ्लो रुक जाए. ठीक है, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी. ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या पढ़ा था इसमें? डीनेचुरेशन होता है किसका? इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स का, और एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है सेल का. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होते हैं. ठीक है, नेक्रोसिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमने पढ़ी थी. कोगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ चुके हैं हम, लिक्विफेक्शन लेग नेक्रोसिस पढ़ चुके हैं, और केसियस नेक्रोसिस पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे फाइब्रिनॉइड एंड फैट नेक्रोसिस. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, तो यस मैम। नाउ फैट नेक्रोसिस, इट रेफर्स टू फोकल एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन. एक पर्टिकुलर फोकल एरिया पे क्या है? फैट टूट जाए. ठीक है, किसकी वजह से? इसमें एक्यूट पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस आता है इसमें, और ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस इन ब्रेस्ट. ब्रेस्ट के अंदर जो फैट होता है उसके अंदर अगर नेक्रोसिस हो, या फिर पेनक्रियास के अंदर नेक्रोसिस हो, ये दोनों की दोनों फैट नेक्रोसिस के अंदर आती है. इसमें क्या होता है? फैट डिस्ट्रक्शन होता है. देखो, हर एक के नाम के पीछे उसका मतलब छुपा होता है. इसमें क्या होता है? फैट टूटता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। नाउ पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो लीक आउट हो जाते हैं एकाइनर सेल और डक्ट से. जो पेनक्रियास के अंदर एकाइनर सेल और डक्ट होती है, वहां से पेनक्रियाटिक एंजाइम लीक आउट हो जाते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है? लिक्यूफाई हो जाती है जो मेम्ब्रेन होती है फैट सेल की इन पेरिटोनियम. पेरिटोनियम के अंदर जो फैट सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिक्यूफाई हो जाती है इन एंजाइम की वजह से. लाइपेजिस तोड़ता है ट्राइग्लिसराइड एस्टर को, जिसके अंदर जो फैट फैटी एसिड सेल्स के अंदर टू फैटी एसिड सेल के अंदर जो फैट होते हैं उनको लाइपेज एंजाइम तोड़ देता है. किस वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है? पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहे हैं, लीक आउट हो रहे हैं, उनकी वजह से फैट टूट रहा है. ठीक है, दीज कंबाइन कैल्शियम, ये क्या करते हैं? कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक ग्लॉसी विजिबल चौकी वाइट अपीयरेंस बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फैट सपोनिफिकेशन. समझ आ रहा है सभी को? यस, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फैट नेक्रोसिस को पहले इस वाली स्लाइड को नोट डाउन करिए सो देट आपको क्लियर हो सके. व्हाट इज इन दिस? फैट डिस्ट्रक्शन पेनक्रियास के अंदर होता है और ब्रेस्ट के अंदर जो फैट्स होते हैं उनके अंदर होता है.
नोट कर रहे हैं सभी फैट नेक्रोसिस? यस और नो? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोकल एरियो फैट डिस्ट्रक्शन, एक्यूट पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस कॉमनली इन ब्रेस्ट। हो गया नो डाउन? नो मैम। ओके, कुटली करिए बेटा। नाउ मॉर्फोलॉजिकली अगर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कैसा दिखता है? फैट नेक्रोसिस दिखता है येलोइश व्हाइट कलर का, ठीक है, एंड फिल्म डिपोजिशन दिखती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम सोप इम्पार्ट द नेक्रोसिस फोकाई फिर्मर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फैट नेक्रोसिस जो कैसा दिखता है, येलोइश व्हाइट कलर का दिखता है और फिल्म डिपोजिशन होती है इसमें। और क्या होता है, क्या बनता है, कैल्शियम सोप इम्पार्ट होते हैं नेक्रोसिस फोकस को, वो क्या बनाते हैं उसको, फिल्म मतलब सॉफ्ट सा बना देंगे और चौकी व्हाइट अपीयरेंस होती है। और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो नेक्रोज, ठीक है, क्लाउडी अपीयरेंस होती है और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन उसके चारों तरफ होती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ओके, ठीक है, तो ऐसा नोट करिए, ग्रॉसरी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, येलोइश व्हाइट कलर का, एंड फिल्म डिपोजिशन होती है। और क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप इम्पार्ट द नेक्रोज फोकाई फिर्मर, ठीक है, एंड चौकी व्हाइट अपीयरेंस होती है। और माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, नेक्रोज फैट सेल की क्लाउडी अपीयरेंस होती है और वो किससे सराउंडेड होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से। नोट करिए, हो रहा है नोट?
यस मैम। हो गया। देखो डायग्राम के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सोप, ये व्हाइटिश व्हाइटिश दिख रहे हैं ना, इज आइडेंटिफाई इन द टिश्यू सेक्शन एज अमोर्फस ग्रैनुल की तरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे और बेसोफिलिक मटेरियल है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया फैट नेक्रोसिस सभी को? यस मैम। नाउ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिब्रिन, फिब्रिनॉइड, फिब्रिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होती है फिब्रिन लाइक मटेरियल की। ठीक है, जिसमें क्या होती है, स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है फिब्रिन की। ठीक है, इसमें क्या होती है, डिपोजिशन होती है बेटा फिब्रिन लाइक मटेरियल की, जिसमें क्या होता है, फिब्रिन की ही स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्टेनिंग मतलब कलर की। ठीक है, अगर हमें कोई चीज देखनी हो, हम स्टेन करते हैं, हमें ऐसे नहीं दिखता तो कलर देते हैं, ताकि पैथोलॉजिकल टिश्यू इंजरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एनकाउंटर्ड होते हैं बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरीज के अंदर, जैसे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स वस्कुलिटीज के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। और आर्थर्स रिएक्शन के अंदर, इन सब के अंदर ये क्या होते हैं, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है। ठीक है, आर्टी आर्टेरियोल्स इन हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, जो पेट, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिब्रिन लाइक अपीयरेंस होती है इसमें, अगर सेल खराब होता है लाइक अपीयरेंस होती है। इज इट क्लियर? भाई यस समझ में आ मैम। रहा है? नोट करो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को। कर रहे हैं नोट सभी स्टूडेंट्स फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को? ओके, यस मैम। इसमें क्या होता है, फिब्रिन लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है फिब्रिन की। ठीक है, आर्टरियोल्स इन हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर जो आर्टरियोल्स होती है ना, उनके अंदर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है कभी कभी। पेप्टिक अल्सर जो होता है, पेट में जो अल्सर होता है, उनके अंदर हो जाती है। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, हो गया नोट? ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली, एक तो होता है ग्रॉस मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, और माइक्रोस्कोपी मतलब और अंदर से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, आइडेंटिफाई बाय ब्राइटली स्नोफिलिक हेलाइन लाइक डिपोजिशन इन द वेसल वॉल। जो ब्लड वेसल होती है उसकी वॉल के ऊपर क्या होता है,
ब्राइटली हल्का इसनोफिलिक हेलाइन लाइक डिपोजिशन होती है वेसल की वॉल के ऊपर, ठीक है। फिर है नेक्रोटिक फोकस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल जो है वो सेल टूट गए, उनके जो कचरा बचा हुआ है उसके चारों तरफ, वो नेक्रोटिक फोकस के चारों तरफ क्या होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल, जिसे हम ल्यूकोसाइटोक्लेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। टूटे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं किसके चारों तरफ, नेक्रोटिक फोकस की तरफ। ये हम अंदर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देन लोकल हेमरेज में अकर ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के टूटने की वजह से लोकल हेमरेज भी हमें दिखता है। तो ये सब हमें मॉर्फोलॉजिकली दिखता है। ब्राइटली इसनोफिलिक है, ब्राइटली इसनोफिलिक हेलाइन लाइक डिपोजिशन इन द वेसल वॉल, ठीक है। उसके बाद टूटे हुए न्यूट्रोफाइल्स दिखेंगे हमें, नेक्रोटिक फैक्टर फोकस के चारों तरफ, और लोकल हेमरेज दिखेगा ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। क्लियर है, यस और नो? भाई बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसे नोट करिए माइक्रोस्कोपिकली कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गो टू द एपोप्टोसिस। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, नोट करिए। बाबू है, बाबू बाबू बाबू, म्यूट करिए भाई। बाबू जी म्यूट करिए। कौन है ये? प्रियंका राजपूत। हो गई नोट डाउन मॉर्फोलॉजी ऑफ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस? करिए नोट। और है नोट? हो गया?
तो सभी को नेक्रोसिस यस मैम ओके नाउ हम लोग अब करेंगे एपोप्टोसिस ठीक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस दोनों के अंदर क्या हो रहा है सेल डेथ ही होती है लेकिन एपोप्टोसिस क्या होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ हमारी बॉडी में आरबीसी होते हैं ना तो आरबीसी क्या होते हैं या बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं आरबीसी की 120 दिन की जिंदगी होती है उसके बाद वो मर जाता है तो वो जो मरता है दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ ठीक है प्रोग्राम्ड है कि भाई इतने टाइम बाद जाके मर जाएगा और नेक्रोसिस में क्या होता है इंजरी जब होती है ठीक है तो सेल मर रहा है दैट इज नेक्रोसिस समझ में आया यस मैम यस मैम दोनों में डिफरेंस समझ में आया यस मैम यस मैम मैम स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही होगी आप देखिए यस मैम अब हो रही है एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ बायोकेमिकल इवेंट्स जिनकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक सेल की मॉर्फोलॉजी के अंदर एक ऐसे बायोकेमिकल इवेंट होते हैं जिनके अंदर जिसकी वजह से सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है ठीक है और सेल की डेथ हो जाती है ये चेंजेस में क्या क्या होते हैं सेल ब्लबलिंग करता है ठीक है या फिर सेल श्रिंक किया फूला या फिर श्रिंक किया या टुकड़े हो गए सेल के या फिर उसके अंदर क्रोमेटिन जो होता है ना सेल के अंदर डीएनए के अंदर क्रोमेटिन होता है उसकी कंडेंसेशन हो जाना इकट्ठा हो जाना या फिर क्रोमोसोमल डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाना टूट जाना ये सारे के सारे इवेंट होते हैं जब प्रोग्राम सेल डेथ होती है समझ में आया यस और नो यस मैम तो बिटवीन 1550 एंड 70 बिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर हर दिन 50 से 70 बिलियन सेल मरते हैं ड्यू टू एपोप्टोसिस ठीक है एक ह्यूमन एवरेज एडल्ट के अंदर और अगर चाइल्ड में देखेंगे 8 से 14 साल के बच्चों के अंदर 20 से 30 बिलियन सेल मरते हैं एक दिन में कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ यस मैम यस मैम एपोप्टोसिस समझ में आ रहा है प्रोग्राम सेल डेथ कि सेल बूढ़ा हो गया अब मर गया तो बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मरते हैं ठीक है चोट लगने की वजह से नहीं अपने आप ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ याद रखो एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ ठीक है तो 50 से 70 बिलियन जो है सेल मरते हैं एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर डेली और 8 से 14 साल के बच्चे के अंदर 20 से 30 बिलियन सेल मरते हैं ठीक है इज इट क्लियर यस मैम ओके नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री जर्मन साइंटिस्ट थे कार्ल वोग्ट उन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस इन 1842 के अंदर ही एपोप्टोसिस के बारे में पता चल गया था 1972 के अंदर केर जो थे साइंटिस्ट उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस टर्म को एपोप्टोसिस मतलब एपोप्टोसिस के बारे में डिस्क्राइब तो कर चुके थे जो जर्मन साइंटिस्ट कार्ल वोग्ट थे 1842 के अंदर डिस्क्राइब कर चुके थे लेकिन इसको नाम एपोप्टोसिस कब दिया गया 1972 के अंदर ठीक है कर ने रिसीव किया पॉल एहरलिच एंड लुडविक डार्मस्ट्रीडल प्राइज कब रिसीव किया था 2000 के अंदर मार्च 14 में फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एपोप्टोसिस ठीक है 2002 के अंदर उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था मेडिसिन के अंदर जिन जो उनको अवार्ड मिला था सिडनी ब्रेनन हॉर्विट्स एंड जॉन ई सल्स्टन फॉर देयर वर्क इन सबको मिला था इन सबको अवार्डेड किया गया था इन सबको अवार्ड मिला था फॉर देयर वर्क आइडेंटिफाइड जीन जो कंट्रोल करते हैं एपोप्टोसिस को समझ में आ रहा है कुछ भाई yes, जो सबसे पहले डिस्कस Yes, ma'am. 1840 का डिस्क्राइब किया गया था फिर नाम दिया गया 1972 के अंदर उनको भी एक अवार्ड मिला था और 2002 के अंदर
कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, डीएनए है हर सेल के अंदर, और वो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए के कुछ पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपोप्टोसिस कराने के लिए। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो क्या होगा, सेल जो है खूब सारे बनते रहेंगे, कैंसर कॉज हो जाएगा। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड को आप नोट डाउन करिए क्विकली। नोट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। करिए नोट। हो गया? नो मैम। चलिए ठीक है, अब एपोप्टोसिस के अंदर देखिए इसका डायग्राम। हेल्दी सेल है, ठीक है, चोट लग गई सेल को, या तो सारे के सारे जो भी एरर हुए हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, या फिर कुछ चोट लगने की वजह से क्या हुआ, जेनेटिक एरर हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ एरर जो है सेल ने कोशिश करी ठीक करने की, पर कुछ एरर जो है वो रह गए। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ जी, समझ आ रहा है? यस मैम। कुछ एरर रह गए, फिर एडिशनल इंजरी टू द सेल, सेल इज अनेबल टू रिपेयर। अब क्या हुआ, और थोड़ी एडिशनल इंजरी हो गई क्योंकि कुछ एरर रह गया, इसकी वजह से इंजरी हो गई इसमें,
और अब वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो क्या हुआ, सेल प्रोग्राम इटसेल्फ टू डाई वाया एपोप्टोसिस। अब वो अपने आप को प्रोग्राम कर देगा कि भाई मैं एपोप्टोसिस के जरिए मर जाता हूँ, समझ में आया, क्योंकि वो खराब हो गया, हेल्दी सेल था, थोड़ी सी इंजरी हुई, अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, ठीक नहीं कर पाया वो अपने आप को, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल को इंजरी रह रही है, तो उसने फिर डिसाइड किया कि मैं एपोप्टोसिस के थ्रू अपने आप को मार देता हूँ, समझ में आ गया एपोप्टोसिस, यस और नो? यस मैम। ठीक है, इस डायग्राम को बनाइए फटाफट, नोट करिए इस डायग्राम को। हो गया? अभी नहीं मैम। नोट करिए जल्दी, एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस का जो एक डायग्रामेटिक फिगर है उसे नोट करिए। हो गया? यस, नोट कर रहे हैं सभी? यस मैम। यस मैम। हो गया? नाउ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या डिफरेंस है? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेल डेथ या प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्रोसिस में क्या होता है, एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ, मतलब चोट लगने से मरता है। और एपोप्टोसिस होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, ठीक है, और ये होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, और नेक्रोसिस दिखता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। एपोप्टोसिस में एटीपी चाहिए होता है एपोप्टोसिस करने के लिए, लेकिन नेक्रोसिस के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल जो होता है श्रिंक होता है, सुकड़ता है और अपने आसपास के सेल से दूर चला जाता है। नेक्रोसिस में ज्यादातर क्या होता है, सेल स्वेल होता है, फूलता है, ठीक है, एक डिफाइनिंग फीचर में। इसमें एपोप्टोसिस में न्यूक्लियस टूटता है, नेक्रोसिस में पूरा का पूरा सेल जो होता है बलून्स हो जाता है और फट जाता है, ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय फिजिकल स्टिमुलाई, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर नहीं मिला या कोई हार्मोनल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ये स्टार्ट होता है। और ये क्या होता है, नॉन फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, लाइटिक
कोई चीज इसे तोड़ रहा है, वायरस, हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, इशीमिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इन सब की वजह से होता है नेक्रोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है, फिर एपोप्टोसिस होता है। और नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस होने के बाद इन्फ्लेमेशन होती है उस वाले एरिया में, समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, इसको नोट करिए। फंक्शनल सेल डेथ, एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ, ठीक है, इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है एंड एक्सीडेंटल होती है, या फिर किसमें, नेक्रोसिस में। समझ आ रहा है? यस मैम। नोट करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एपोप्टोसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हो गया नोट डाउन? नो मैम। समझ में आ रहा है व्हाट इज एपोप्टोसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों में ही सेल की डेथ हो रही है, बट डिफरेंस है। यस मैम। ओके
क्लियर हो रहा है टॉपिक सभी को? क्लियर हो रहा है सबको टॉपिक बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, उसके आगे का जो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है एपोप्टोसिस, है ना, और एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बीच डिफरेंस हमने पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी और एपोप्टोसिस नेक्रोसिस के बीच क्या डिफरेंस है। अब इसके आगे बेटा दो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है, तो वो वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास सभी को समझ आई? यस मैम। ओके।